to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today I will discuss multiple choice question on CCA rules 1965. It is the second part. So my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. Now I am going to start the part 2, multiple choice question on CCA rules 1965. Question number 1, if a government servant had committed a misconduct during his earlier employment, what action should be taken against him in his present employment? यदि गवर्नमेंट सर्वेंट उसका अर्लियर एम्प्लॉयमेंट में कोई मिसकंडक्ट किया है तो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में किस तरीका का एक्शन लिया जाएगा? तो जो ऑप्शन है, बी टेस्ट शुड बी वॉर्न्ड, बी टू बी रेंडर हिम अनफिट एंड अनसुइटेबल फॉर कंटिन्यूअल इन सर्विस, बी सी सैलरी वुड बी विथहेल्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, बी डी कैन बी अवॉर्डेड पेनल्टी. सो हियर आंसर इज बीट बी, रेंडर हिम अनफिट एंड अनसुइटेबल फॉर कंटिन्यूअल इन सर्विस in present employment. So answer is bit B. Question number 2, dash prohibits the grant of leave to a government servant under suspension. We know that in suspension period the concerned employee is not entitled for any type of leave. Jo suspension period hai to wahan par government employee ko kisi bhi tarike ka leave nahi milega. To in which fundamental rule it is mentioned? Just you remember, it is mentioned in FR 55, Fundamental Rule 55. So answer is bit A. Clear? Question number 3 ko chalenge. The rate of subsistence allowance for the period of first 3 months of suspension is, so first 3 months hota hai, basically first 90 days ke andar. Uske baad review hota hai, 90 days ke andar review hota hai. तो रिव्यू में एक्चुअली जो सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा उसको रिवोक किया जाएगा, वो डिसीजन लिया जाता है. तो इस केस में जो फास्ट 3 मंथ्स है तो कितना सब्सिस्टेंस अलोयंस मिलेगा द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो चार्ज्ड ऑफिसर है उसको कितना सब्सिस्टेंस अलोयंस मिलेगा? तो हियर आंसर इज बीट बी, 50% ऑफ पे. आंसर इज बीट बी. ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ा क्लारीफाई कर दिया, थोड़ा उसको देख लीजिए तो आपको और क्वेश्चन मिल जाएगा. तो फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स सैलरी फॉर हाफ पे लीव, जो हाफ पे लीव में जो सैलरी मिलता है, हाफ ऑफ द लीव सैलरी, तो यहाँ पर 50% ऑफ पे मिलेगा. बिट बी में दिया है आफ्टर 3 मंथ्स, यदि सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंड होता है तो आफ्टर 3 मंथ्स इफ द डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉय, यदि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है वो डिले एम्प्लॉय के वजह से नहीं हो रहा है, तो उस केस में सब्सिस्टेंस अलोयंस है वो 50% बढ़ेगा. तो 50% बढ़ेगा मीन्स वहाँ पर पे का 75% उसको मिलेगा. ठीक है, क्योंकि पहले 3 मंथ्स में 50% मिलता था, उसका 50% कितना होगा? 25%. तो इसमें 75% ऑफ पे, इसको थोड़ा ध्यान देना है. अलाउंस में भी इंक्रीज बाय अप टू 50%, इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर. देन अगेन आफ्टर 3 मंथ्स और एक कंडीशन है, इफ द डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉय, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है उसमें जो डिले हो रहा है वो एम्प्लॉय के वजह से हो रहा है, तो उस केस में अलाउंस में भी रिड्यूस्ड बाय अप टू 50%. यहाँ पर रिड्यूस होगा 50%, तो वहाँ पर पे का 25% मिलेगा. तो ये 3 ऑप्शन आपको ध्यान देना है. ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ्स 50%, आफ्टर 3 मंथ्स डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉय 75% ऑफ पे, इट मीन्स अलाउंस इंक्रीज बाय अप टू 50%. देन आफ्टर 3 मंथ्स इफ द डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉय, अलाउंस में बी रिड्यूस्ड बाय अप टू 50%, दैट इज टू से 25% ऑफ पे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे. एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन मस्ट प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फॉर रिसीविंग सब्सिस्टेंस अलाउंस, दिस सर्टिफिकेट रिलेट्स टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्सिस्टेंस अलाउंस किसी का बंद नहीं होगा, पर कब बंद हो सकता है सब्सिस्टेंस अलाउंस? यदि एम्प्लॉय सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये सर्टिफिकेट क्या होगा? बेसिकली आंसर इज बीट बी, नॉन एम्प्लॉयमेंट और नॉन एंगेजमेंट इन एनी बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन, इसके ऊपर एक सर्टिफिकेट देना है, एम्प्लॉय देगा कि मैं मुझे ये जो सस्पेंशन पीरियड में
मैं कहाँ पर भी काम नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी वोकेशन वोकेशन में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो इस तरीके का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इज बिट बी, क्वेश्चन नंबर फोर, ये वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव को चलेंगे। इट इज क्वेश्चन नंबर फाइव, रूल 11 ऑफ द सीसीएस, सीसीए रूल्स 1965 डील्स विद, ये जो ऑप्शन दिया है, सस्पेंशन, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टीज, वेरियस टाइप्स ऑफ पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज, बिट डी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स। एक्चुअली जो रूल 11 है सीसीएस, सीसीए रूल्स 1965, इट इज रिलेटेड टू द वेरियस टाइप ऑफ पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज, जो माइनर पेनल्टीज, जो मेजर पेनल्टीज उसमें मेंशन है। ओके, आंसर इज बिट सी। उसके ऊपर मैं थोड़ा क्लारीफाई किया, आप देख लीजिए उसको, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। सीसीए, सीसीए रूल 10 इट इज रिलेटेड टू सस्पेंशन, सीसीए, सीसीए रूल 11 वेरियस टाइप ऑफ पेनल्टीज माइनर एंड मेजर, रूल 12 डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज, रूल 13 अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, रूल 14 वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। मेजर पेनल्टीज जब लगे उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर से एक्चुअली अल्टीमेटली फाइनल होगा कि जो चार्ज ऑफिसर है उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगेगा। रूल 15 एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट, जो फाइनल एक्शन होगा, जो एक्शन लिया जाएगा जब इंक्वायरी रिपोर्ट पहुंचेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास, तो एक्शन लिया जाएगा, वो रूल 15 में है। रूल 16 वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज। तो क्या क्या प्रोसीजर है बेसिकली माइनर पेनल्टीज के लिए, क्या प्रोसीजर है, वो वहाँ पर रूल 16 में है। तो आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, रूल 14 जो है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज, रूल 16 है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज, और जो रूल 15 है एक्शन ऑन द इंक्वायरी रिपोर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है, इफ ए प्रोबेशनर और टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट फर्निश्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन और प्रोड्यूस्ड ए फॉल्स सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू सिक्योर अपॉइंटमेंट एंड लेटर ऑन फाउंड ही शुड बी डिस्चार्ज और हिज सर्विस शुड बी टर्मिनेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, चाहे वो प्रोबेशनर हो चाहे टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वो ऐसा कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट दिया है और ऐसा कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उनको इट मीन्स डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मगर यहाँ पर याद रखना है कि प्रोबेशनर और टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट, मगर सेकेंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू द परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। इफ ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट फर्निश्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन और प्रोड्यूस्ड ए फॉल्स सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू सिक्योर अपॉइंटमेंट एंड लेटर ऑन फाउंड एन इंक्वायरी इन रूल 14 ऑफ सीसीएस, सीसीए रूल्स 1965 में बी हेल्ड एंड इफ द चार्जेस प्रूव्ड द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। सेकेंड परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है, यदि परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है और कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट देकर नौकरी किया है, तो उसके ऊपर जो रूल 14 जो मैं बोला, जो प्रोसीजर है मेजर पेनल्टीज का, वो इंक्वायरी चलेगा रूल 14 के हिसाब से। रूल 14 क्या है, प्रोसीजर ऑफ बेसिकली रिलेटेड टू द मेजर पेनल्टीज, तो उस केस में वो इंक्वायरी चलेगा। यदि प्रूव होगा तब गवर्नमेंट सर्वेंट को रिमूव और डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि रिमूव और डिसमिस जो होता है इट इज रिलेटेड टू द मेजर पेनल्टीज। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक है टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोबेशनर और एक है परमानेंट। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बिट बी। ठीक है, अदर ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, बिट बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज व्हिच कम्स अंडर द माइनर पेनल्टी। इसमें कौन माइनर पेनल्टी है, कंपल्सरी रिटायरमेंट ये मेजर पेनल्टी है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ये मेजर पेनल्टी है, रिडक्शन बाय वन स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये माइनर पेनल्टी है, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस अंडर सीसीएस टेम्पररी रूल्स 1965। तो ये इसमें एक्चुअली आंसर बीट सी, बीट सी जो है वो माइनर पेनल्टी है, और जो बीट डी दिया ना सीसीएस टेम्पररी रूल्स 1965, अभी जो मैं एक्सप्लेन किया, यदि कोई टेम्पररी एम्प्लॉय जॉब के समय कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है और कुछ फेक सर्टिफिकेट्स देता है और वो प्रूव हो जाता है, तब उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो सीसीएस टेम्पररी रूल 1965 के हिसाब से। तो यहाँ पर जो माइनर पेनल्टी है वो आंसर बिट सी है, रिडक्शन बाय वन स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, देखिए क्लारिफिकेशन रिलेटेड टू माइनर पेनल्टीज। तो माइनर पेनल्टीज में क्या क्या आता है, देखिए रूल 11 आई सेंसियोर, 11 II withholding of his promotion,
इलेवन ट्रिपल आई रिकवरी फ्रॉम इज पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेकुनियरी लॉस कॉज्ड बाय हिम टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स। और उसी थर्ड ए का है अभी जो मैं बताया, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। और जो लास्ट है विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे। तो ये सब माइनर पेनल्टीज है, आप उसको पूरा ध्यान देना है, इसको पूरा रिमेंबर करना है। ओके, ये सब माइनर पेनल्टीज है, यही जो चार है वो माइनर पेनल्टीज के अंदर आता है, राइट। 11I2 11IV क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द मेजर पेनल्टी अंडर रूल 11। इसमें कौन मेजर पेनल्टी है? बीट ए विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर इज फेल्यूर टू पास एनी डिपार्टमेंटल एग्जाम आज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। नो, विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन विथहोल्डिंग ऑफ माइनर पेनल्टी है, फास्ट तो नहीं है। ऐसा आपका कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम में पास नहीं किया, आप फेल हो गए, आपका इंक्रीमेंट रोक दिया गया, ये कोई पेनल्टी में नहीं आता है। विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन अभी वो मैं डिस्कस किया है, माइनर पेनल्टी में जाता है। रिकवरिंग फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी रिकरिंग लॉस टू द गवर्नमेंट कॉज्ड बाय ऑफिशियल्स नेग्लिजेंस, ये भी माइनर पेनल्टी है। जो डी है रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस फॉर ए पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी व्हिच शैल बी ए बार टू हिज प्रमोशन, तो आंसर इज बी डी, ये मेजर पेनल्टी है। जो बी डी है वो मेजर पेनल्टी है। अभी उसको थोड़ा मैं मेजर पेनल्टी के ऊपर आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मेजर पेनल्टी में क्या क्या आता है? वहां पर ऑलरेडी 11I2 IV वो माइनर पेनल्टीज है, अभी मेजर पेनल्टीज देखेंगे 11V में। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड विद डायरेक्शंस टू अलाउ और स्टॉप इंक्रीमेंट्स ड्यूरिंग सच पीरियड एंड वेदर और नॉट द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ हिज पे। VI रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस फॉर ए पीरियड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी व्हिच शैल बी ए बार टू हिज प्रमोशन। 11VII कंपल्सरी रिटायरमेंट, 11VIII रिमूवल फ्रॉम सर्विस व्हिच इज नॉट ए डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिमूव होगा कोई फाइनली जो मेजर पेनल्टी लगेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा जो कंसर्न एम्प्लॉय को, उस केस में रिमूवल केस में आप जो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप फ्यूचर में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ठीक है। मगर जो 9th है डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, जब आपको डिसमिस कर दिया गया सर्विस में तो आपको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है। रिमूवल में आपके लिए मौका रहेगा कि फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर डिसमिसल में फ्यूचर में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको, ये सब मेजर पेनल्टीज है 11V2IX, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैड इनिशिएटेड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ही डिसाइडेड नॉट टू अवार्ड एनी पेनल्टी, व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी दैट कैन बी अवार्डेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला, मगर अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि एक्चुअली उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाना नहीं चाहिए। तो कौन सा मिनिमम पेनल्टी लगेगा? वो जो मिनिमम पेनल्टी होगा वो सेंसियोर है, वो फास्ट है। 11I जो माइनर पेनल्टी का फास्ट है, बीट आई में है, सेंसियोर है, ठीक है। आंसर इज बीट सी। तो माइनर पेनल्टी एक ये जो है एक फॉर्मल पेनल्टी होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ, देख लीजिए सेंसियोर और वार्निंग के बीच में, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए क्लैरिफिकेशन सेंसियोर एंड वार्निंग। सेंसियोर क्या है? एन ऑर्डर ऑफ सेंसियोर इज फॉर्मल एंड पब्लिक एक्ट इंटेंडेड टू कन्वे दैट पर्सन कंसर्नड हैज बीन गिल्टी ऑफ सम ब्लेमवर्दी एक्ट और ओमिशन फॉर व्हिच इट हैज बीन फाउंड नेसेसरी टू अवार्ड हिम ए फॉर्मल पनिशमेंट। इट इज केप्ट ऑन द ऑफिसर्स कॉन्फिडेंशियल रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट सेंटेंस, इट इज केप्ट ऑन द ऑफिसर्स कॉन्फिडेंशियल रोल एंड इट मे एडवर्सली अफेक्ट द मेरिट ऑफ सुइटेबिलिटी फॉर प्रमोशन टू हायर पोस्ट। तो इसमें जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होता है उसमें मेंशन होगा और वो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है जब फ्यूचर में हमारा प्रमोशन होगा, तो उसके लिए भी ये थोड़ा बार हो सकता है, ठीक है, ये सेंसियोर है। तो जो वार्निंग है इट इज नॉट ए फॉर्मल, वार्निंग इज नॉट ए फॉर्मल पनिशमेंट एंड इट इज नॉट ए पेनल्टी। वार्निंग पेनल्टी नहीं है, वार्निंग लेटर ऑफ कॉशन रिप्रीमांड्स और एडवाइजरीज एडमिनिस्टर्ड टू गवर्नमेंट, तो सर्वेंट्स डू नॉट अमाउंट टू ए पेनल्टी, ये सब जो है पेनल्टी नहीं है वार्निंग में। मगर सेंसियोर जो है एक फॉर्मल केस में एक पेनल्टी है जो हमारा ऑफिसर्स कॉन्फिडेंशियल रोल में वो मेंशन होगा,
तो वो थोड़ा एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है हमारा फ्यूचर प्रमोशन में। मगर वार्निंग ऐसा नहीं है, वार्निंग एक पेनल्टी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन, जो रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस को प्रिस्क्राइब किया गया है तो कौन सा फंडामेंटल रूल में क्लैरिफाई किया गया है उसको। ये फंडामेंटल रूल 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन FR 53, आंसर इज बिट ए। तो अभी थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ कुछ फंडामेंटल रूल्स। जो 52 फंडामेंटल रूल है वहाँ पर दिया गया है, द पे एंड अलाउंसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस सीज फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल और रिमूवल। जिस डेट में कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस और रिमूव कर दिया गया उसी डेट से उसका पे एंड अलाउंसेस बंद हो जाएगा। ये फंडामेंटल रूल 52 में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 में बताया सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर है। जो फंडामेंटल रूल 54 है, व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन डिसमिस्ड और रिमूव्ड और कंपल्सरीली रिटायर्ड इज रीइंस्टेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ अपील और रिव्यू। वो 54 में क्या है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस की रिमूव की कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिया गया था, अभी वो अपील और रिव्यू में उसका रीइंस्टेट हुआ, तो वो FR 54 में है। तो FR 55 अभी मैं बोला था, तो इसमें एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड में द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी लीव नहीं मिलेगा, तो वही है, लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। तो ये चारों फंडामेंटल रूल को आपको ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रिकवरी फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस शैल कंपल्सरीली बी मेड फॉर। तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस में कंपल्सरीली रिकवरी होगा, तो बेसिकली यहाँ पर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन टू GPF, सब्सक्रिप्शन टू CGEIS मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम, बीट डी अमाउंट ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट। तो ये आंसर है बीट सी, ये कंपल्सरी है, जो हमारा सब्सिस्टेंस अलाउंस से इसको रिकवरी किया जाएगा, जो एवरी मंथ में उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा तो उसे रिकवरी किया जाएगा। तो अभी देख लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफाई किया हूँ कंपल्सरी डिडक्शन में क्या क्या आएगा। जो सब्सिस्टेंस अलाउंस से कंपल्सरी डिडक्ट होगा एवरी मंथ, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, रेंट और लाइसेंस फी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन एंड अलाइड चार्जेस, रीपेमेंट टुवर्ड्स लोन्स एंड एडवांसेस, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस लिया है सपोज ऑफिस से, वो रीपेमेंट होगा एज यूजुअल उसका इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का मेंबर हो जो फीस है उसको देना पड़ेगा मंथली जो कंट्रीब्यूशन होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम उसमें भी मंथली जो कंट्रीब्यूट होता है उसको भी देना है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम CGEGIS, ये सब कंपल्सरी। ओके, ये कंपल्सरी डिडक्शन होगा, इसको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। और ऑप्शनल, ऑप्शनल क्या है, जब सस्पेंडेड ऑफिसर वो ऑप्शन देगा कि मेरा सब्सिस्टेंस अलाउंस से डिडक्ट हो सकता है, वो ऑप्शन देगा, ये ऑप्शनल है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो इसमें क्या आता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव स्टोर्स और सोसाइटीज, रिफंड ऑफ GPF एडवांस, GPF से एडवांस लिया है, GPF एडवांस लिया है, तो ये जो तीनों है ना ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शन गिवन टू द सस्पेंडेड ऑफिसर। ओके, यदि वो ऑप्शन देगा तब डिडक्ट होगा, नहीं तो प्रोहिबिट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, डिडक्शन नॉट टू बी मेड, तो थर्ड जो है बीट सी में दिया गया है, ये डिडक्ट नहीं होगा सब्सिस्टेंस अलाउंस से GPF सब्सक्रिप्शन, जो मंथली हमारा GPF के लिए जो डिडक्ट होता है वो डिडक्ट नहीं होगा। अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट्स वो भी डिडक्ट नहीं होगा। रिकवरी टू लॉस टू गवर्नमेंट, कोई ऐसा हम कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए जिसमें गवर्नमेंट का लॉस हुआ तो गवर्नमेंट रिकवरी करेगा कंसर्न एम्प्लॉई से, मगर ये जो सस्पेंशन पीरियड में जब उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है वहां पर रिकवरी नहीं होगा। तो लास्ट जो थ्री है वो रिकवरी नहीं होगा, बीट बी में वो ऑप्शन देगा सस्पेंडेड ऑफिसर, वो ऑप्शन देगा तो होगा, नहीं तो नहीं। और जो फास्ट है वो कंपल्सरी है, ठीक है। ये तीनों को बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओवर पेमेंट्स कैन बी रिकवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अथॉरिटीज नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, एक ऑप्शन दिया गया है। कुछ ओवर पेमेंट्स कंसर्न एम्प्लॉय को कर दिया गया है तो उसका रिकवरी होगा, तो कितना हो सकता है वो 1/3 ऑफ, तो ये करेक्ट है, 1/3 सब्सिस्टेंस अलाउंस का 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। यदि कोई ओवर पेमेंट को रिकवरी किया जाएगा वो मैक्सिमम 1/3 ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आंसर है बीट बी, एस
ठीक है, ये स्टेटमेंट द आंसर इज बिट बी इस। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। दो तीन स्टेटमेंट दिया है, देख लीजिए। एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस एडमिसिबल टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ पे ऑन द डेट ऑफ सस्पेंशन। यदि एम्प्लॉय को कोई कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस मिल रहा है तो किस हिसाब से मिलेगा? जो जिस डेट में उसको सस्पेंड किया गया उसी डेट में जो पे होगा, बेसिकली सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर नहीं, उसी डेट में जिस डेट में उसका सस्पेंशन होगा उसी डेट में जो पे होगा उसी के हिसाब से उसको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलेगा। सेकेंड वन डीए के ऊपर है, डियरनेस अलाउंस। हमारा जो ईयरली टू टाइम्स एक्चुअली डीए बढ़ता है, तो डीए किसके ऊपर लगेगा? देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस। जो सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर डीए बढ़ेगा, जैसे अभी डीए 17% है, तो अभी हमारा बेसिकली पे लेवल के ऊपर लगता है, मगर यहां पर सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है उसके ऊपर ओके डीए लगेगा। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड वन, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर द चेंज ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ ए सस्पेंडेड ऑफिसर कैन बी ऑर्डर्ड। हाँ, सस्पेंडेड ऑफिसर जब रिक्वेस्ट करता है उसका हेडक्वार्टर चेंज हो सकता है, ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, थोड़ा ध्यान देने, उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आंसर है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बी ए, राइट। चलो नेक्स्ट, ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग सस्पेंशन द हेडक्वार्टर्स ऑफ एन एम्प्लॉय कैन बी चेंज्ड। अभी मैं बताया, जब एम्प्लॉय जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय जब रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा हेडक्वार्टर को चेंज किया जाए, तब हेडक्वार्टर चेंज होगा, मगर कुछ कंडीशन है। वो तो रिक्वेस्ट करेगा, सस्पेंडेड ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा मेरा हेडक्वार्टर चेंज किया जाए, मगर कौन सा कंडीशंस में उसका चेंज होगा? फर्स्ट रिक्वेस्ट वो करेगा, देखिए, इफ नो एडिशनल एक्सपेंसेस आर इन्वॉल्व टू द गवर्नमेंट। यदि हेडक्वार्टर चेंज होता है सस्पेंडेड ऑफिसर का, तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ एडिशनल एक्सपेंस कुछ नहीं लगेगा। सेकेंड, इफ देयर वुड बी नो डिफिकल्टी इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। थर्ड है, इफ द चेंज इज इन अकॉर्डेंस विद द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द कोर्ट। सपोज कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से सपोज हेडक्वार्टर चेंज हो सकता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। गवर्नमेंट ये देखेगा कुछ कंडीशंस, वो सस्पेंडेड ऑफिसर रिक्वेस्ट किया मेरा हेडक्वार्टर चेंज होगा, तो रिक्वेस्ट करने से नहीं होगा, कुछ कंडीशंस में होगा। कब होगा? ना गवर्नमेंट को कुछ एडिशनल एक्सपेंस नहीं लगेगा हेडक्वार्टर चेंज होने से, और जो उसका अगेंस्ट में जो एलिगेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कुछ बाधा नहीं होगा, और कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि उसका हेडक्वार्टर चेंज हो सकता है। तो ये आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव, जो एबीसी में है ना, तीनों को याद रखना है। तो तीनों को कैसे याद रखना है? कि एम्प्लॉई जो सस्पेंडेड ऑफिसर है वो रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद कौन सा कंडीशंस में उसका हेडक्वार्टर को चेंज किया जाएगा, ये फर्स्ट थ्री है। चलो नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन लीव ट्रैवल कंसेशन कैन बी अवेल्ड। हम जानते हैं कि सस्पेंशन टाइम में सस्पेंडेड ऑफिसर को एलटीसी नहीं मिलेगा, मगर उसका फैमिली को मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सस्पेंडेड ऑफिसर को एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, मगर उसका फैमिली को मिलेगा। तो आंसर देखिए, आंसर इज बिट बी, बाय द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय ओनली। जो एलटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय ओनली, आंसर इज बिट बी। ओके, यहां पर याद रखना है, जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उसको एलटीसी नहीं मिलेगा सस्पेंशन पीरियड में, आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे। इफ एन एम्प्लॉय इज स्टेशन्ड आउटसाइड हिज हेडक्वार्टर्स और इज ऑन टूर। यदि एम्प्लॉय कोई आउटसाइड स्टेशन में है, आउटसाइड ऑफ द हेडक्वार्टर, कि कोई टूर में गया है, तो सस्पेंशन कैसे इफेक्टिव होगा? सस्पेंशन शैल बी इफेक्टिव, तो जब उसको सस्पेंशन ऑर्डर प्राप्त होगा, जब कंसर्न एम्प्लॉय सस्पेंशन ऑर्डर वो रिसीव करेगा, तो उसी डेट से उसका सस्पेंशन पीरियड इनिशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर बाय द एम्प्लॉय, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर नहीं, जिस डेट में ऑर्डर इश्यू हुआ वो नहीं होगा। जिस डेट में कॉन्सर्न एम्प्लॉई आउटसाइड ऑफ द हेडक्वार्टर में वो है, वो ऑर्डर रिसीव करेगा, उसी डेट से उसका सस्पेंशन पीरियड इनिशिएट होगा। ठीक है, तो आंसर जो है इट इज बीट बी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ एनी अदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज स्टार्टेड अगेंस्ट एन एम्प्लॉई ड्यूरिंग सस्पेंशन, He may be kept under suspension till all proceedings are over। ये जो दिया है, बहुत थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। सपोज जो कंसर्न एम्प्लॉय है उसके ऊपर बेसिकली एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, और कुछ ऐसा मिसकंडक्ट हो गया, कुछ ऑफेंस हो गया,
तो और एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फिर स्टार्ट हो गया। ओके तो इट मीन्स एक से ज्यादा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर। तब जो है वो बोल रहा है कि ए सस्पेंशन ही मे बी केप्ट अंडर सस्पेंशन टिल ऑल प्रोसीडिंग्स आर ओवर। ये एब्सोल्युटली राइट है। ओके पूरा प्रोसीडिंग्स ओवर होने तक एक्चुअली उसके ऊपर सस्पेंशन लगेगा, तो ये एब्सोल्युटली राइट है। आंसर इज बिट बी, इसको थोड़ा ध्यान देना है। एक से ज्यादा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लगेगा तो ही मे बी केप्ट अंडर सस्पेंशन टिल ऑल प्रोसीडिंग्स आर ओवर। आंसर इज बिट बी, यस। क्वेश्चन नंबर 18, whether the president of India is empowered to impose penalties on a government servant under rule 11 of CCA rules. तो president of India, तो उनके पास power है, वो कोई भी penalty लगा सकते हैं, minor penalty और major penalty, तो वही है to impose penalties on a government servant under rule 11 of CCA rules. Yes, any of the penalties. Answer is bit C, president लगा सकते हैं, ठीक है। Answer is bit C. चलो question number 19 देखेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु फेस्ड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग वॉज अलाउड टू अपियर इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड हैज पास द एग्जामिनेशन ऑल्सो, कैन ही बी प्रमोटेड। इसको थोड़ा ध्यान देना है। सस्पेंडेड एम्प्लॉय को अलाउ किया जाएगा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए, उसको मना नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली इट मीन्स ही इज अलाउड टू फेस द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में वो पास हो गया मगर प्रमोशन नहीं होगा जब तक वो पूरा इट मीन्स जो उसके ऊपर जो चार्ज लगा है पूरा वो उससे एग्जोनरेट उसका पूरा नहीं है, तो तब तक उसका प्रमोशन नहीं होगा। एग्जाम देगा, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देगा, माना कोई मना नहीं करेगा, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देगा, उसका वो पास हो गया मगर प्रमोशन उसको नहीं मिलेगा जब तक क्या है वो ये जो आंसर है बीट सी है, यस, आफ्टर ही इज कंप्लीटली एग्जोनरेटेड, पूरा वो जो उसके ऊपर चार्ज लगाया गया है वो पूरा खत्म हो जाएगा कि नहीं इसके ऊपर जो चार्ज लगा था क्या था वो पूरा खत्म हो गया। ओके तो कंप्लीटली वो एग्जोनरेट हो जाएगा। ओके कंप्लीटली एक्चुअली उसके ऊपर जो चार्ज लगाया गया है उसको हटा दिया जाएगा तब वो उसका प्रमोशन होगा, मगर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देगा और वो पास करती है तो इमिडिएटली प्रमोशन नहीं होगा, जब जो चार्ज लगाया गया है वो कंप्लीटली एग्जोनरेट हो जाएगा तब उसका प्रमोशन होगा। आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 को चलेंगे। पेनाल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शैल बी इम्पोज्ड बाय, ये सब मेजर पेनाल्टी है जैसे कंपलसरी रिटायरमेंट ड्यू टू पनिशमेंट रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये एक्चुअली अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास पावर है। जो कंसर्न एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है उसके पास पावर है ये सब पेनल्टी देने के लिए, ये सब मेजर पेनल्टी में आता है, ठीक है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आंसर इज बिट बी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 21, एन एम्प्लॉय कैन नॉट बी रिड्यूस टू ए लोअर ग्रेड और पोस्ट व्हिच ही हैड नेवर हेल्ड अर्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर पेनल्टी होता है जो उसको लोअर पोस्ट को भी इट मीन्स डिग्रेडेड किया जा सकता है, मगर जो पोस्ट में वो पहले नहीं था तो उस पोस्ट को वो जा नहीं सकता, ये मेन चीज आपको ध्यान देना है। एन एम्प्लॉय कैन नॉट बी रिड्यूस टू अ लोअर ग्रेड और पोस्ट व्हिच ही हैड नेवर हेल्ड अर्लियर, पहले से वो पोस्ट में नहीं था तो उस पोस्ट में वो नहीं जा सकता। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, सपोज एक टीचर पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, तो पहले से वो इनिशियल पोस्टिंग से पीजीटी है, तो अभी जो मेजर पेनल्टी लगा उसको टीजीटी कर दिया गया, ये नहीं होगा क्योंकि पहले से वो डिपार्टमेंट में जो जॉब मिला है पहले से उसको पीजीटी पोस्ट मिला है, तो इस केस में उसको टीजीटी को इट मीन्स टीजीटी पोस्ट को इट मीन्स पेनल्टी के आकार में वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो ही बेसिकली कैनॉट बी डिग्रेडेड टू द लोअर पोस्ट क्योंकि पहले से वो पोस्ट उस पोस्ट में नहीं था। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर इज बीट बी, राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा रेजिग्नेशन के ऊपर है। रेजिग्नेशन फ्रॉम ए सस्पेंडेड एम्प्लॉय कैन बी एक्सेप्टेड, जब एक सस्पेंशन टाइम में सपोज द कंसर्न एम्प्लॉय वो रेजिग्नेशन देना चाहता है मगर कुछ कंडीशन है, सभी समय रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, कौन सा कंडीशन में एक्सेप्ट होगा? द ऑफेंस डज नॉट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, द क्वांटम ऑफ एविडेंस डज नॉट जस्टिफाई द अजम्पशन दैट एम्प्लॉय विल बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड। ऐसा कुछ एविडेंस है जिसमें
एक्चुअली एटलीस्ट उसको रिमूव डिसमिस नहीं किया जाएगा जिस तरीके का चार्ज लगाया गया है। द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर लाइकली टू बी सो प्रोट्रैक्टेड दैट एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयज रेजिग्नेशन वुड बी चीपर। सो यदि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ज़्यादा दिन तक चलेगा उस केस में इट मीन्स एक्सेप्ट कर दिया जाएगा उसका रेजिग्नेशन को। डी द एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन इज कंसिडर्ड नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है। सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी इन केस ऑफ ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज एंड ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज इन केस ग्रुप ए एंड बी। तो ये कंडीशन जो दिया गया ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव सभी आंसर ठीक है। इसी कंडीशन में एक्चुअली रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। थोड़ा ध्यान देना है, विभिन्न तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा घुमा कर दे सकता है, और आपका रिवीजन के लिए मैं इस तरीके से दे दिया। तो ऑल ऑफ द अबव इसको थोड़ा ध्यान देना है, इस कंडीशन में रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू डैश लीव ऑफ एनी काइंड। नहीं, लीव उसको नहीं मिलेगा, एलटीसी ना उसके लिए एलटीसी नहीं है, उसका फैमिली को एलटीसी मिलेगा, उसको एलटीसी नहीं मिलेगा। एक्ट एज डिफेंस काउंसिल फॉर अनदर एम्प्लॉई इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स against the employee, बी डी लीव हिज हेडक्वार्टर्स। तो आंसर इज बीट सी। जो सस्पेंडेड एम्प्लॉई है वो और कोई एम्प्लॉई को हेल्प करने के लिए डिफेंस असिस्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, तो एन एम्प्लॉई अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल टू एक्ट एज डिफेंस काउंसिल फॉर अनदर एम्प्लॉई इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एम्प्लॉई। क्योंकि जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलता है तब जो सस्पेंडेड ऑफिसर है वो उसको डिफेंड करने के लिए एक डिफेंस असिस्टेंट को रिक्रूट करता है। तो इस केस में जो एक्चुअली सस्पेंडेड ऑफिसर है और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसके ऊपर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चल रहा है, तो वो एक ये सस्पेंडेड एम्प्लॉई को भी डिफेंस असिस्टेंट के आकार में ले सकता है। लीव हिज हेडक्वार्टर्स, वो हेडक्वार्टर्स माने वो तो रिक्वेस्ट करेगा हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए, मगर कुछ कंडीशंस में वो इसका हेडक्वार्टर चेंज होता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है आंसर बीट सी, इसको ध्यान देना है। जो सस्पेंडेड ऑफिसर है वो डिफेंस असिस्टेंट के आकार में और कोई कंसर्न एम्प्लॉई जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है उसको डिफेंड करने के लिए वो डिफेंस असिस्टेंट का रोल प्ले कर सकता है। तो आंसर इज बीट सी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ एट द कंक्लूजन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए सस्पेंडेड एम्प्लॉई ओनली ए माइनर पेनल्टी इज इम्पोज सस्पेंशन विल बी ट्रीटेड एज। ऐसा कोई जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चला अल्टीमेटली जो कंसर्न एम्प्लॉई है उसके ऊपर माइनर पेनल्टी लगा तो इट इज होली अनजस्टिफाइड। आंसर इज बीट बी, सस्पेंशन आज सच ए मिस्टेक नन ऑफ द होली अनजस्टिफाइड। क्योंकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला, वो सस्पेंड हुआ, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला, विभिन्न तरीके का विटनेस को एग्जामिन किया गया, इंक्वायरी ऑफिसर को रिक्रूट किया गया, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये उसको डिफेंड करने के लिए एक्चुअली सस्पेंडेड ऑफिसर बोल के डिफेंस असिस्टेंट को रिक्रूट किया। तो इस केस में बहुत कुछ है जो होली अनजस्टिफाइड होगा यदि अल्टीमेटली उसके ऊपर माइनर पेनल्टी लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। व्हेन एन एम्प्लॉई डिटेन्ड एरोनियसली इज डिस्चार्ज विदाउट कन्विक्शन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे ट्रीट द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एज। सब एम्प्लॉई को डिटेन कर दिया गया, उसको कन्विक्ट कर दिया गया, मगर उसके बाद क्या है उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, तो इस केस में उसका सस्पेंशन पीरियड क्या होगा। तो जो आंसर है, ये जो चार ऑप्शन दिया गया है, आंसर है बीट ए, होली अनजस्टिफाइड एंड ग्रांट फुल पे एंड अलोयेंसेस फॉर द पीरियड। जो पीरियड में उसको सस्पेंड किया गया था तो वो पीरियड में उसको फुल पे एंड अलोयेंसेस मिलेगा और ये होगा फुली अनजस्टिफाइड होगा। क्योंकि उसको इट मीन्स रॉन्गफुली उसको कन्विक्ट कर दिया गया और उसको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, और बहुत कुछ फैसिलिटीज उसको नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ में क्या है, ये अल्टीमेटली उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, अल्टीमेटली एक्चुअली ही इज एक्जोनरेटेड फ्रॉम द पनिशमेंट। सो होली अनजस्टिफाइड होगा एंड ग्रांट फुल पे एंड अलोवेंस फॉर द पीरियड, जो सस्पेंशन पीरियड में उसको फुल पे एंड अलोवेंसेस मिलेगा। सो थैंक यू माई फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल नेम इज असित गवर्नमेंट रूल गुरु, प्लीज सब्सक्राइब मी, थैंक यू।